हेलो गाइस, कैसे हो आप। मैं संगीता, आज मेरी किचन में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपको पेठे की मिठाई के लड्डू बनाना बताऊंगी, कैसे बनाए जाते हैं और ये खाने में बहुत अच्छे बहुत टेस्टी लगते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। हमने ये नारियल का बुरादा लिया हुआ है, हमने ये चार पेठे की मिठाई ली है, बढ़िया वाला पेठा मंगाया है हमने, और ये हमने थोड़ा सा गुलूकंद लिया है, और ये तीन चार छोटी इलायची का पाउडर लिया है। चलिए हम आपको बताते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। और गाइस, हमने ये एक पेठे की मिठाई ली है और इसको हम कद्दूकस से कस देंगे। ये देखो गाइस, ऐसे हमें से ही सारे को कसना है। गाइस देखो, ये हमने सारा कस लिया था इससे कद्दूकस से। अब इसमें हम नारियल का बुरादा डालेंगे, अपने हिसाब से डाल सकते हो। हमने ये तीन चार चार पांच चम्मच लिया है, इसको हमने इसमें डाल दिया है। और ये जो हमने इलायची का पाउडर लिया था ना गाइस, इसको भी इसमें डाल देंगे। अब इसको हम सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गाइस, इसके लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, आप भी अपने घर में ट्राई कर सकते हो। क्योंकि पेठे की मिठाई तो अक्सर सबको ज़्यादा पसंद आती हैं, ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप इस तरीके से अपने घर में लाके ऐसी मिठाई बनाना तो देखना कितनी अच्छी लगेगी, सबको पसंद आएगी घर में। ये देखो गाइस, अब इसके हम आपको लड्डू बना के दिखाते हैं। ये देखो गाइस, हमारे पेठे में मीठे का लड्डू एकदम एकदम तैयार है। अब इसमें हम अपना गुलूकंद भी भरेंगे। ये देखो गाइस, इसके अंदर हम बीच में अपना गुलूकंद लगा रहे हैं, और अब इसको हम दोबारा से बंद कर देते हैं। फिर इसको हम ऐसे ही घुमा घुमा के इसको अपना भर लेते हैं। ये देखो गाइस, हमारा लड्डू एकदम तैयार है। और अब जो हमने जो हमारा नारियल का बुरादा बच गया था ना गाइस, इसको भी हम इसमें ऐसे ड्रिप कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं और इसमें हम इसको लगा देते हैं। ये देखो गाइस, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। कमेंट में हमें ज़रूर बताना हमारे लड्डू आपको कैसे लगे। अब गाइस, हमने आपको वाइट वाले बताए थे, अब हम आपको कलर वाले भी बताएंगे। अब देखो, ये हमने अलग अलग कर दिया है, इसमें हम फ्रूट कलर घेर रहे हैं और इसमें भी हम कलर घेर रहे हैं। अब इसको भी हम अच्छी तरह, ये देखो गाइस, इसका हमने इसमें फ्रूट कलर घेर दिया था, और देखो इसका कलर हमारा पिंक हो गया है। अब हम आपको पिंक के बना के दिखाएंगे। इसको सबको हम अच्छी तरह से ले लेते हैं। ये देखो गाइस, हमने इसमें बीच में गुलूकंद लगा दिया था, और देखो ये हमने पिंक कलर का बनाया है, इसमें हमने फूड कलर डाला था। और देखो, इसको भी हम नारियल के बुरादे में लपेट देते हैं। ये देखो गाइस, कितना सुंदर बना है। और ऐसे ही हम अपने इसमें भी हमने हरा वाला डाला था, इसको भी हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं सबको। ये देखो गाइस, इसको भी हमने अच्छी तरह से मिला दिया है। अब इसको हम दबा के इसमें हम थोड़ा सा गुलूकंद लगाएंगे, आप देख सकते हो। और इसको हम अब इसको भी बंद कर देते हैं। और ये देखो गाइस, इसको भी हमने लड्डू बना लिया है।
अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। कमेंट में हमें ज़रूर बताना हमारे आपको पेठे के लड्डू कैसे लगे। ये देखो गाइस, हमारे लड्डू एकदम तैयार हैं।